नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। देश में कोरोना वायरस की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार तेजी के साथ बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते दिन 16 नए मामलों की पुष्टि हुई, इसी के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 216 हो गई। ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में है, यहाँ बीते दिन 11 नए मामले सामने आए। वहीं जम्मू कश्मीर में 3 और ओडिशा में 2 मामलों की पुष्टि हुई। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चेताया है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी में कहा कि ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रमण है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवाओं को सक्रिय किए जाने के साथ ही जिला और स्थानीय स्तर पर सख्त रोकथाम कार्रवाई की जानी चाहिए। राजेश भूषण ने नाइट कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं पर पाबंदी, शादियों और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम करने जैसे रणनीतिक निर्णय को लागू करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव मामलों के सभी नए समूहों के मामलों में कंटेनमेंट जोन, बफर जोन की त्वरित अधिसूचना की जानी चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।